मैं बता दूं मेरे दोस्त की इस मैच के बाद जितने भी मैचेस होंगे कमेटी का एक बड़ा फैसला, हर मैचेस 3+3 ओवर के खेले जाएंगे और मोमिन 11 को अगर ये मैच जीतना होगा तो 59 रनों का सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्राइक पे होंगे सौरभ, नॉन स्ट्राइक पे होंगे मुशीर और बॉलर, बॉलर नेम बता दे मेरे दोस्त साहिल। फिर से साहिल तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, लंबा हिट लगाने की कोशिश, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन मुकम्मल किया, स्कोर 1 रन। और मैं बता दूं दोनों लाइव कैमरे के टेबल के नीचे अगर गेंद जाती है तो 1 रन फिक्स कर दिया गया मेरे दोस्त, ये कमेटी का फैसला। फिर से बार गेंदबाज तैयार, अंपायर का इशारा, 4 रन स्कोर 5 रनों के योग पर। और एक झटका लगता हुआ और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। साहिल की अच्छी गेंद देखी जा रही है, तो भाई उनका स्थान लेने कौन आ रहा है मेरे दोस्त बता दे। तो मुशीर का स्थान लेने आए हैं आसिम, आसिम अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, जब तक गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। और मैं बता दूं स्ट्राइकर बल्लेबाज शॉट और आसिम बैक टू पवेलियन वापस चले गए। अब इनका स्थान लेने कौन आता है? भाई बैट्समैन जल्द से जल्द मेरे दोस्त, डी बॉयज टीम कैप्टन, डी बॉयज टीम कैप्टन डी बॉयज, अगर उनके कानों तक मेरे माइक्रोफोन की आवाज आ रही है तो मेरे दोस्त कमेटी टेबल पे आ जाए। टीम कैप्टन डी बॉयज, फिर से एक बार गेंदबाज तैयार साहिल, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया और स्कोर 8 रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, और अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। और जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया तो टोटल स्कोर 2 बॉल 10 रन। फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए और अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल दिशाहीन गेंदबाजी। टीम कैप्टन डी बॉयज मेरे दोस्त अंतिम पुकार दी जा रही, जल्द से जल्द कमेटी टेबल पे आ जाए। इस बार लवली शॉट गेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन स्कोर 17 रन।
इस बार जब तक गेट पॉइंट दौड़कर एक रन मुकम्मल किया स्कोर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। फिर से गेंदबाज तैयार, अच्छी शॉट और आउट होते हुए बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा हुज़ैफ को। बैट टीम का तीसरा ओवर अपनी जानिब से पहला ओवर लेके आए हैं जावेद। इस बार अच्छी शॉट डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। बैट्समैन होंगे सादिक। फिर से गेंदबाज तैयार सादिक के लिए, इस बार जब गेंद फील्ड करते दौड़कर एक रन पूरा किया। स्कोर स्कोर 21 रनों के योग पर। और मैं बता दूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर एसके 777 की टीम का, जिन्होंने 92 रनों का टारगेट दिया था, लक्ष्य दिया था। फिर से एक बार अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर स्कोर बता दें मेरे दोस्त 25 रन। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा इस वक्त बल्लेबाज को। प्रवीण का स्थान लेने वापस बोले, अगला होने वाला मैच 3-3 ओवर का है सारा मैच। और मैं बता दूं, इस मैच के तुरंत बाद जितना भी मैचेस होंगे 3+3 ओवरों के खेले जाएंगे। इस मैच के तुरंत बाद 3+3 ओवरों के मैच खेले जाएंगे मेरे दोस्त। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए, लंबा हिट लगाने की कोशिश, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और इस वक्त मिडिल स्टिक से काफी दूर गेंद जाती हुई। तो इस वक्त लेट्स प्ले और मोमिन 11 के बीच में टॉस होता नजर आ रहा है। टॉस जीत के बैटिंग की
और मैं बता दूं मोमिन इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। मोमिन बॉयज अपने बैट्समैन जल्दी से भेजो प्लीज प्लीज अपने बल्लेबाज भेजिए। Vamos a ir, vamos a ir.
मोमिन बॉयज अपने बैट्समैन भेजो, मोमिन बॉयज के ओपनर बैट्समैन जल्दी अंदर आवा। ए भाई बॉल दे दे, फरहान बॉल दे दे प्लीज। भाई मोमिन बॉयज के बैट्समैन जल्दी आवा प्लीज, टाइम की किल्लत की वजह से। हेलो हेलो अरसलान भाई, कमेंट्री करने के लिए इधर आए। मोमिन बॉयज अपने बैट्समैन भेजो, मोमिन बॉयज क्या फैसला है तुम्हारा, तुम एक ही टाइम पे डिसाइड करो, अपने बैट्समैन भेजो प्लीज। तो ठीक है, अगर मोसिन क्या क्या डिसाइड किया है, ठीक है कोई बात नहीं। डी बॉयज आप लोग ये मैच जीत चुके, नेक्स्ट मैच का टॉस होगा। नहीं तुम लोग जीत गए, खत्म करो जल्दी, बाहर निकलो। ए नेक्स्ट मैच किसका है, नेक्स्ट मैच किसका है? हाँ ले लो अरसलान, जहां कहीं भी हो अरसलान। अरसलान जसबीर शेख, दो पांच मिनट रुकने बोल, पांच मिनट रुकने बोल। SK777 और डी बॉयज, सॉरी SK777 और लेट्स प्ले, SK777 और लेट्स प्ले का अगला मैच, SK777 और लेट्स प्ले। SK777 के कप्तान, SK777 के कप्तान हाँ बाबर भाई, बाबर भाई हमारे बाबर भाई ग्राउंड पर तशरीफ लाते हुए। अरे मेरी बॉस किसकी भी, तुम क्या बोल रहा है, देखो आड़ी बात कर रहा है, आड़ी बात कर रहा है।
बाबर भाई आपका स्वागत है, आइए, बहुत प्यार मोहब्बत से आपको बोल रहे हैं। गोली कहाँ लगेगी आपको अंदाजा भी? कमेंटेटर का नाम क्या था? बोल इसकी तारीफ करो, थोड़ा सा तीन चार लोगों की तारीफ करो। बाबर भाई हमारे आजमगढ़ के कमेंटेटर कहाँ गए? वो भाई उसका नाम क्या है? वो आजमगढ़ का कमेंटेटर है, उसका नाम क्या है भाई? अरे बहुत बेहतरीन दे रहा है वो जब से। शहजाद भाई वो आजमगढ़ का कमेंटेटर है, उसका नाम क्या है? अरसलान भाई, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, जल्दी से इधर आइए स्टेज के पास। अरे अरसलान भाई सुट्टा ना मारे, इधर आए। मेरे पास है, बोल मैं बोलूंगा। लेट्स प्ले वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड। भाई अरसलान को फोन मारो ना। अरे आए तुम? हाँ कौन सा वाला शेप? ये बुला रहे भाई तुमको बात। अरसलान, हमारे आजमगढ़ के अरसलान किधर चले गए आप? अरसलान अरसलान भाई, शहजाद भाई ने खास कमेंट्री के लिए बुलाए हैं आजमगढ़ से इनको। आओ जल्दी अंदर आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आओ। कुछ ही मिनटों में जसबीर भाई हमारे बाबर सैयद हो गए। मैं बाबर सैयद को बता, पहले उसका बोल। ए जाहिद गए बाबर भाई का स्वागत कर जल्दी से। बाबर भाई कर रहे दिल से स्वागत। हेलो हेलो, चेक माइक्रोफोन। हेलो, तो मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत बाबर सैयद साहब, जो इस वक्त हमारे इस मंच की दहलीज की तरफ धीरे धीरे कदमों से आगमन होंगे, और उनके साथ ही साथ जसबीर आरिफ खान और आसिफ खान, और उनके साथ ही साथ इस मैच के स्पॉन्सर आसिफ खान और आरिफ खान, उनका भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ। उनके साथ ही साथ शहजाद एसके का भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ कि सर जसबीर भाई, और उनके साथ ही साथ जसबीर भाई का भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ। तो बाबर सैयद साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरे धीरे कदमों से इस स्टेज की दहलीज की तरफ सर आप आए। तो बाबर सैयद साहब जल्द से जल्द कमेटी टेबल पे आ जाएं, कि चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, कि चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है,
चले आओ किसी की संदली बाहों में, किसी के आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। तो इस वक्त हमारे बीच बाबर सैयद साहब इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, और मैं आजमगढ़ की सरजमी से अरसलान खान एक टूटी फूटी जबान लेके छोटे कद का बच्चा आपके बीच मौजूद, आपका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। और उनके साथ ही साथ आरिफ, और उनके साथ ही साथ, और मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं बाबर भाई का। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाने के लिए। सर आप आए इस टूर्नामेंट में, नई जिंदगी पैदा हुई, आप आए इस टूर्नामेंट में चार चांद लग गए। तो सर आपसे मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। सर आप अपने स्टेज नहीं बल्कि आप अपनी चेयर को सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ कुछ ही मेहमान खुसूसी हमारे बीच मौजूद और इस मैच के स्पॉन्सर भी मौजूद है। तो मैं सबका मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ, तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत, वेलकम, खैर मंदन, अभिनंदन, वंदन कर रहा हूं और करता रहूंगा। और खान साहब मेमोरियल ट्रॉफी सीजन फर्स्ट, जिसके ऑनर आसिफ खान और आरिफ खान जिसके रिस्पॉन्सर, उनका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। और उनके साथ ही साथ और हमारे बीच चीफ गेस्ट जसवीर भाई, उनका भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं कि सर आपने इस टूर्नामेंट में अपना कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने के लिए, आपका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं, तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत, वेलकम, खैर मंदन, अभिनंदन, वंदन कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो आज का ये मैच अब धीरे धीरे कदमों से अपने दहलीज की तरफ आगमन होता नजर आ रहा है, और निसार भाई का भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। शहजाद भाई अगर आपके कानों तक मेरे माइक्रोफोन की आवाज आ रही है तो जल्द से जल्द स्टेज की दहलीज की तरफ आ जाएं। शहजाद भाई एसके, और मैं बात करूं क्रिकेट में सबसे पहले इस मैच के स्पॉन्सर और पहली बात इस मैच की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और उसके साथ ही साथ इस वक्त मैं देख रहा हूं समद भाई और एक और भाई है, वो अपनी पोजिशन की भूमिका को इस वक्त निभा रहे हैं। और मैं शोएब भाई, उनका भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस पूरे टूर्नामेंट में चार चार लगा रहे हैं। स्कोर 17 रनों के योग पर। तो मेरे दोस्त बिल्कुल विलंब ना करें, जल्द से जल्द मैच को शुरू कराएं, क्योंकि आज ही फाइनल मैच भी खेला जाएगा। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो फर्स्ट सेकेंड प्राइज रखी गई है, वो किसके नाम जाएगी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। जो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड रखा गया है, ये भी किसके हाथों जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल होगा। तो भाई मोस्ट वेलकम करूंगा शहजाद भाई इसके, जहां कहीं भी कमेटी टेबल पे आ जाए मेरे दोस्त, बिल्कुल विलंब ना करें। और जसवीर भाई का भी मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं, जो इतना ही मैं बता दूं कि खेल के साथ साथ, तालीम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ आज इस खेल के मैदान में जोड़ रहे हैं। सर मैं आपका मोस्ट वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा टूटी फूटी जबान लेके आप सभी के बीच मौजूद, आपका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। क्योंकि जसवीर भाई जैसी हस्ती, मुंबरा की मस्ती, पंजाब की तंदुरुस्ती, गोवा की बस्ती बहुत ही खतरनाक हुआ करती है मेरे दोस्त,
क्योंकि अभी सेमीफाइनल मुकाबला होगा, तब जाके मेरी कमेंट्री चार चांद लगाएगी। इंशाल्लाह आपसे मैं बता दूं, जिस चीज से मैं आजमगढ़ की सरजमी पे बदनाम हूँ, वो चीज आज मैं इस मुंबरा की हसीन सरजमीन पे छोड़ कर जाऊंगा। क्योंकि और मैं बता दूं जसवीर भाई, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। तो भाई शहजाद भाई, इसके जहां कहीं भी कमेटी टेबल पे आ जाने तो मैं कहीं ना कहीं कुछ कहने पर मजबूर हो जाऊंगा। भाई शहजाद भाई इसके जहां कहीं भी है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, जल्द से जल्द कमेटी टेबल पे आ जाए, चेयर उनका इंतजार कर रही है। और इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी नजर आ रही है। खान साहब मेमोरियल ट्रॉफी का पहला सीजन एक बेहतरीन मुकाबला बल्कि एक बेहतरीन मैच की ऑर्गेनाइजिंग की गई है। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर 26 रनों के योग पर। तो भाई से एक बार गेंदबाज तैयार। तो जसबीर भाई मैं बता दूं कि जब भी मैं घर से निकलता हूं दवा भी साथ चलती है, कि जब भी मैं घर से निकलता हूं दवा भी साथ चलती है, मैं घर से तनहा नहीं चलता, मेरी माँ की दुआ भी साथ चलती है। और मेरे दोस्त, अगर ये मैच जीतना होगा तो टैर के दरिया पार करना होगा, कि कहा जाता है तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। जसवीर भाई कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, टैर के दरिया पार करो। तो मेरे दोस्त, आपको टैर के दरिया पार करना होगा, आपको नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करना है तो बेहतरीन खेल का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। तो शहजाद भाई आपसे मैं मोस्ट वेलकम करूंगा, और मोबू भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शॉल से, और ये तो भाई जसवीर भाई जोरदार तालियां बजाते रहे मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी हस्ती इस वक्त उनका सम्मानित करेंगे, हमारे बड़े भाई मुब्बू भाई और शहजाद भाई साथ ही साथ शॉल पहना के, तो उनका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ। तालियां बजाते रहे मेरे दोस्त, क्योंकि एक मैच के एक बेहतरीन टूर्नामेंट के एक स्पॉन्सर और एक मानी जानी हस्ती और एक युवा चेहरा इस वक्त सभी सभी के दिलों में बसता हुआ जसवीर भाई, तो उनका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ कि सर आप आए इस टूर्नामेंट में, नई जिंदगी पैदा हुई। भाई तालियां बजाते रहे मेरे दोस्त, क्योंकि एक और साथ ही साथ भाई तालियां बजाते रहे, क्योंकि एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक इस वक्त जसवीर भाई अपने नाम का सिक्का इस पूरे पूर्वांचल में उछलाता और बोलता नजर आ रहा है, और एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक उनका मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। और इस टूर्नामेंट में आए सर, आप इस पूरे टूर्नामेंट में चार चांद लगाए। भाई तालियां बजाते रहे मेरे दोस्त, अगर जो ताली नहीं बजाएगा तो मुझे ताली बजवाने का भी ढंग है। बहरहाल, और ये मैच जीतने के लिए 33 रनों का टारगेट दिया जाएगा। और बाबर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप, तो बाबर भाई एक मानी जानी हस्ती, एक युवा चेहरा इस वक्त पूरे युवा दिलों की धड़कनों में नजर आ रहा है।
भाई तालियां बजाते रहे, मुगू भाई आप भी साथ में चले जाए। तो बाबर भाई जैसी हस्ती मैं देख रहा हूँ इस वक्त शहजाद खान उनका आगमन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई आवाम के लिए बाबर भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दो वर्ड इस पूरे आवाम के लिए, इस पूरे जनता के लिए बोल दें। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाबर भाई माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम किया गया है माशाल्लाह खान साहब। जो मुझे ये बहुत अच्छा लगा शहजाद भाई कि ये इनके वालिद साहब के नाम पर, माइक का आवाज बढ़ाओ ना, कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा शहजाद भाई कि आसिफ भाई के वालिद साहब के नाम पर ये मैच कराया जा रहा है। मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि आज इन्होंने अपने वालिद साहब का नाम जो है वो माशाल्लाह बाकी रखा और लोगों में, मतलब जो है लोगों में माशाल्लाह से मतलब जो है उनकी पहचान को बाकी रखा। ये मेरे लिए मतलब जो है मैं जैसा मतलब मेरी थिंकिंग है आसिफ भाई, उस तरीके से मेरे वालिद साहब नेताजी जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत खिदमत करी और उन्हीं की तर्ज पर मैं चलना चाहता हूं इंशाल्लाह, और हक का साथ देना चाहता हूं, अपनी कौम का, कौम की खिदमत करना चाहता हूं इंशाल्लाह। तो उसी तरीके से जो है आसिफ भाई जो आपने ये काम किया है माशाल्लाह, आपके वालिद साहब का जो नाम आपने रोशन किया है उसके लिए आपको सैल्यूट है बॉस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। तो बाबर भाई एक मिनट, बाबर भाई जो आपने इतनी अच्छी आवाज में अपने दो लफ्ज कहे और आपकी आवाज में मैंने वो ताकत वो लहजा देखा, तो कभी कभी मैं कहा करता हूँ बाबर भाई कि आपसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊंगा मैं, बाबर भाई आपसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊंगा मैं, ताजमहल बन जाए मुमताज कहाँ से लाऊंगा मैं, क्योंकि वो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हारिस पठान साहब जहां कहीं भी कमेटी टेबल पे आ जाएं, शहजाद भाई शॉल पहना के उनका आगमन करेंगे। तो हारिस पठान कम ऑन द स्टेज भाई, जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में चार चांद लगा रहे हैं। और इस वक्त गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन पूरा किया। और मैं बता दूं तीन बॉल पे अगर लगातार बैक टू बैक सिक्स लगती है तो बाबर भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो 3 सिक्स मारो और 500 रुपए अपने नाम करके जाओ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं देख रहा हूं बाबर भाई अपना पूरा एटीएम कार्ड इस पूरे लेट खान साहब मेमोरियल इस ट्रॉफी में अपना पूरा एटीएम बैंक को खोल के रख दिया है। लगातार बैक टू बैक 3 सिक्स लगाओ, 500 रुपया लेके जाओ, यानी एक बहुत ही बड़ी इनामी राशि रखी गई है। और मैं मोस्ट वेलकम कर रहा हूं दोनों अंपायरों का जो अपनी पोजीशन की भूमिका को, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। भाई स्कोर क्या है? स्कोर 4 बॉल 3 रन, विन कितना? विन 33, 4 बॉल 3 रन, और ये मैच जीतने के लिए 33 रनों का लक्ष्य दिया। इस बार अच्छी गेंद डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। समझ में? फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते एक भी रन लेने का नहीं मौका।
और ओवर की समाप्ति। अरे ये लो, स्कोर 6 रनों के योग पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। इस बार लवली शॉट डाउन द ग्राउंड, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्कोर 7 रन और ये मैच जीतने के लिए मात्र 35 रनों का लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है। 3 ओवर में 35 रन क्या कुछ कर दिखा पाती है टीम, कहना मुश्किल होगा। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। लवली शॉट और कैच पकड़ लिए गए। कैच पकड़ो, मैच पकड़ो। और एक और झटका लगता हुआ, बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। तो अब उनका स्थान लेने आए हैं अकबर, जो पिछले मैचेस में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लगातार बैक टू बैक 2 सिक्स लगाए थे। आसिम तो मैं बता दूं कि अकबर है इसके, मैं देख रहा हूं कि अपनी पूरी टीम के साथ अपनी पूरी कमांड संभाल ले हैं, क्योंकि उनकी टीम इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर 92 रनों का टारगेट दिया था। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं अकबर एसके चेयर पे नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ। फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन मुकम्मल किया। स्कोर 9 रन। तीन बॉल 9 रन। मेरे दोस्त जो कमेटी टेबल के ठीक सामने नेट से थोड़ा दूर हो जाए, मेरे दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, सिफारिश को। इस बार लवली शॉट, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन अंपायर का इशारा था। स्कोर 15 रनों के योग पर। 4 बॉल 15 रन, 4 बॉल 15 रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज, अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी। चार बॉल 16 रन। फिर से गेंदबाज तैयार। लवली शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। 5 बॉल 22 रन, 5 बॉल 22 रन। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, कितना रन चुरा सकते हैं कहना मुश्किल होगा।
फिर से एक बार बल्लेबाज तैयार, अच्छी बल्लेबाजी कम उजारे शुक। वाह भाई वाह, लगातार 3 सिक्स लगाए बाबर। अरे जो कुर्ता पहन के एकदम इधर बैठे, बाबर नाम है ना। और बाबर भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, क्या नाम उसका, जैनम को, जैनम को 500 रुपए का इनाम उनके नाम कर दिया गया है। तो उनकी लाजवाब बल्लेबाजी जो लगातार बैक टू बैक 3 सिक्स लगाए, 6 में 5। ओ पूरी देख, 6 बॉल 5 रन। अकबर ने लगा तेज बल्ला चलाया और 1 रन चुराने में संतुष्ट। स्कोर उनतीस रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार और